हे गाइस, कैसे हो आप? तो आज है राजयोगा मेडिटेशन का डे 2। मुझे इस चीज़ों के बारे में बता के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता आपको सुन के अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, बट मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है इसको सुन के। मेरा नाम है अपूर्वा अग्रवाल। तो आज हम परम पिता परमात्मा के बारे में पढ़ेंगे कि जो सर्व आत्माएं हैं उनका पिता एक ही है, वो है परम पिता, और वह निराकार है। प्रायः लोग ये नारा तो लगाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई हैं, परंतु वे सभी आपस में भाई भाई कैसे हैं? और यदि वे भाई भाई हैं तो उन सभी का एक पिता कौन है, इसे वे नहीं जानते। देह की दृष्टि से तो वे सभी भाई भाई हो नहीं सकते, क्योंकि उनके माता पिता अलग अलग हैं। आत्मिक दृष्टि से उनको हम भाई भाई कह सकते हैं, क्योंकि आत्मिक दृष्टि से ही वे सभी एक परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते भाई भाई हैं। यहाँ सभी आत्माओं के एक परम पिता का परिचय दिया गया है। इस स्मृति में स्थित होने से ही राष्ट्रीय एकता आ सकती है। प्रायः सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है और वह सभी का पिता है, और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। परंतु यह प्रश्न उठता है कि वह एक पारलौकिक परम पिता कौन है जिसे सभी लोग मानते हैं। अब देखेंगे कि भले ही हर धर्म के स्थापक अलग अलग हैं, परंतु हर एक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की प्रतिमा शिवलिंग को किसी न किसी प्रकार से मान्यता देते हैं। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर परमपिता परमात्मा शिव के मंदिर हैं ही, और भक्तजन ओम नमः शिवाय तथा तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो इत्यादि शब्दों से उसका गायन व पूजन भी करते हैं, और शिव को श्री कृष्ण तथा श्री राम इत्यादि देवों के भी देव अर्थात परम पूज्य मानते ही हैं। परंतु भारत से बाहर दूसरे धर्मों के लोग भी इसको मान्यता देते हैं। यहाँ सामने भगवान शिव का स्मृति चिन्ह सभी धर्मों में है। अमरनाथ हो चाहे विश्वनाथ हो, सोमनाथ हो या पशुपतिनाथ हो, इत्यादि मंदिरों में परम पिता परमात्मा शिव के ही स्मरण चिन्ह हैं। गोपेश्वर तथा रामेश्वर के जो मंदिर हैं उनसे स्पष्ट है कि शिव श्री कृष्ण तथा श्री राम के भी पूज्य हैं। जो राजा विक्रमादित्य भी शिव की ही पूजा करते थे। मुसलमानों के जो मुख्य तीर्थ हैं मक्का, उसमें भी इसी प्रकार के चिन्ह का, इसी आकार का पत्थर है जिसे कि सभी मुसलमान यात्री बड़े प्यार और सम्मान से चूमते हैं। उसे वे संगे अस्वद कहते हैं, और इब्राहिम तथा मुहम्मद द्वारा उनकी स्थापना हुई ऐसा वे मानते हैं। परंतु आज वे भी इस रहस्य को नहीं जानते कि उनके धर्म में बुत परस्ती यानी प्रतिमा पूजा की मान्यता न होते हुए भी इस आकार वाले पत्थर की स्थापना क्यों की गई है, और उनके यहाँ इसे प्यार व सम्मान से चूमने की प्रथा क्यों चली आई है। इटली में कई रोमन कैथोलिक ईसाई भी इसी प्रकार वाली प्रतिमा को इसी ढंग से पूजते हैं। ईसाइयों के धर्म स्थापक ईसा ने तथा सिखों के धर्म स्थापक नानक जी ने भी परमात्मा को एक निराकार ज्योति काइंडली लाइट ही माना है। यहूदी लोग जो हैं वो तो परमात्मा को जेहोवा नाम से पुकारते हैं, तो जो नाम शिव का ही रूपांतर मालूम होता है। जापान में भी
बौद्ध धर्म के कई अनुयायी इसी प्रकार की एक प्रतिमा अपने सामने रखकर उस पर अपना मन एकाग्र करते हैं, परंतु समयांतर में सभी धर्मों के लोग यह बात भूल गए हैं कि शिवलिंग सभी मनुष्यात्माओं के परम पिता का स्मरण चिन्ह है। यदि मुसलमान यह बात जानते होते तो वे सोमनाथ के मंदिर को कभी नहीं लूटते, बल्कि मुसलमान, ईसाई इत्यादि सभी धर्मों के अनुयायी भारत को ही परम पिता परमात्मा की अवतार भूमि मानकर इसे अपना सबसे मुख्य तीर्थ मानते, और इस प्रकार संसार का इतिहास ही कुछ और होता। परंतु एक पिता को भूलने के कारण संसार में लड़ाई झगड़ा, दुख तथा क्लेश हुआ और सभी अनाथ व कंगाल बन गए। अब परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य क्या है? शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश। कलयुग के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना के साथ परमपिता परमात्मा शिव पुरानी आसुरी सृष्टि के महाविनाश की तैयारी भी शुरू करा देते हैं। परमात्मा शिव शंकर के द्वारा विज्ञान गर्वित तथा विपरीत बुद्धि अमेरिकन लोगों तथा यूरोप वासियों को प्रेर कर उन द्वारा एटम और हाइड्रोजन बॉम्ब और मिसाइलें तैयार करते हैं, जिन्हें की महाभारत में मूसल तथा ब्रह्मास्त्र कहा गया। इधर वे भारत में भी देह अभिमानी, धर्म भ्रष्ट तथा विपरीत बुद्धि वाले लोगों को पारस्परिक सिविल युद्ध के लिए प्रेरित करते रहे। धन्यवाद।